हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्च का महीना है और होली का त्यौहार बस कुछ ही दिन दूर है, तो क्यों ना इस होली मीठे में बनाया जाए एक कलरफुल स्पॉन्ज केक, जो कि दिखने में जितना सुंदर है खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केक बनाने के लिए हम देख लेते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ लिया है 1 कप मैदा या ऑल पर्पज़ फ्लोर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हमें ऑल पर्पस फ्लावर एंड कॉर्न फ्लोर को छान लेना है। बेकिंग पाउडर एंड सोडा हम बाद में ऐड करेंगे। अब देख लेते हैं हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स। वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें चाहिए 1/4 कप मिल्क, 1/2 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, 1/4 कप ऑयल एंड 1/4 कप बटर। अब हम बटर, कंडेंस्ड मिल्क और ऑयल को वायर विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो फर्स्ट स्टेप में मैदा और कॉर्नफ्लोर को छान के रखा था, उसे भी 3 बैच में ऐड करेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम जेंटली इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। अब मैं वायर विस्क की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारे बैटर में लम्स ना रहें। ये देखिए, हमें इसी पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। आप इस स्टेज पर और मिल्क डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ रोज एसेंस। आप वनीला एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बारी आती है बेकिंग पाउडर डालने की। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हमें डालना है बेकिंग सोडा और मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। ये स्टेप करने से हमारा जो केक है वो स्पॉन्जी और बहुत ही फ्लफी बनेगा। अब आप चाहें तो ये बैटर डायरेक्टली टिन में पोर करके बेक कर सकते हैं, बट हम यहाँ बना रहे हैं कलरफुल होली केक, तो मैं यहाँ इस बैटर को 4 पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ। मैं यहाँ लिक्विड कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो जेल कलर्स भी यूज कर सकते हैं। अब हम सारे बैटर्स को एक ग्रीस्ड टिन में पोर कर लेंगे। आप जैसे चाहें इसको पोर कर सकते हैं। जो भी इफेक्ट आएगा बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। अब मैं एक छोटे स्पून की हेल्प से इसमें रैंडम स्वर्ल्स दे रही हूँ ताकि सारे कलर्स अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। वाओ, जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल इफेक्ट। हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है और ये साइज में भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब हम इसे सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से कवर कर लेंगे एटलीस्ट 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी और फ्लफी बना है।
तो बनाइए ये कलरफुल केक इस होली पर और इन्जॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। हैप्पी होली, इन्जॉय।